हेलो फ्रेंड, लिथियम आयन बैटरी से बाइक के लिए बैटरी बैक कैसे बनाते हैं तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं ये एक्चुअली में काम करता है या नहीं करता है। तो नेट में बहुत सारा वीडियो आपको आप तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस टाइप होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं एकदम आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं मेरे पास ये कितना 40 सेल किया है। देख सकते हैं मैंने पैरेलल में 6 सेल को यूज़ किया है। तो इसमें जो BMS का यूज़ किया है मैंने, ये 20 एम्पियर CS का BMS है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखिए 3 सेल मैंने बनाया है। ये पैरेलल में मैंने 6 सेल को कनेक्ट किया है। ये 1 सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया और ये 3 सेल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इससे बनाया है। तो पहले देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कनेक्शन पहले से कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से कनेक्शन कर लिया है। देख सकते हैं इस सेल में सारा पॉजिटिव मैंने इस टाइप सोल्डरिंग कर दिया है, और इस साइड पर मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है। तो ये 1 सेल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पर मैंने फिर इसको सारा कनेक्शन कर दिया। फिर दूसरा साइड में मैंने इस सेल को इस साइड में मतलब मैंने सीरीज में कनेक्शन कर दिया। ये 3 सीरीज हो गया, 1 सीरीज, 2 सीरीज और 3 सीरीज हो गया। इसी प्रकार से ये 12 वोल्ट निकलता है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर इन होगा और यहाँ से आउट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैटरी का जो आप 12 सीरीज आपने बनाया है, वो बैटरी का नेगेटिव सीरीज को यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और जो पहला बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो 4 वोल्ट में लगाएंगे, और सेकंड सेल का जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा 8 वोल्ट में लगाएंगे, और जो लास्ट वाला जो पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव में यहाँ पर लगेगा, 12.6 वोल्ट में करना होगा। इस प्रकार से ये कनेक्शन हो जाएगा, और ये यहाँ पर इन होगा और यहाँ से आउट होगा। तो ये डिटेल्स में मैंने बता दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये फुल नहीं चार्ज हुआ है, तो फिर भी देख सकते हैं आप 10.62 वोल्ट, मतलब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो लगभग ये 12.6 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। तो ये बैटरी यूज़ करके बाइक में क्या हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो देख सकते हैं मेरे पास ये कि एक्टिवा का ये स्टार्टर मोटर है, ठीक है। मैं इसको कनेक्शन करके आपको कहूँगा ये सच में वर्क करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये दोनों आउटपुट हो गया, पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दूंगा, ठीक है, और नेगेटिव में बॉडी में, क्योंकि बॉडी उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। देख सकते हैं क्या होता है, ये स्टार्ट होकर ये फिर से बंद हो जाता है, ठीक है। ये 20 एम्पीयर का है ये सर्किट, फिर भी ये उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं देता है। देख सकते हैं ये इस प्रकार से एक्सपायर तो बहुत जोर से हो रहा है, ओ ये शुरू हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड, ये कभी कभी कॉन्स्टेंट रनिंग करता है, नहीं तो कभी कभी ये देख सकते हैं ये इस प्रकार का होता है, स्टार्ट होकर फिर से ये बंद हो जाता है। तो देख सकते हैं आपको तो बहुत सारे वीडियो इक्विपमेंट मिल जाएगा वो बैटरी को यूज़ करके बाइक चलाते हैं, लेकिन ये जो पैक है मुझे लगता है ये आपका लाइट और हॉर्न सही से चला देगा, लेकिन ये स्टार्ट मोटर को स्टार्ट सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैं बैटरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये कितना एम्पीयर, अगर हम मान चलते हैं ये 1 सेल 1.5 AH का है, ठीक है, तो अगर हम उसको पैरेलल में उसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 सेल हो गया 9000 mAh होगा, नहीं तो आप 9 AH बोल सकते हैं, 9 एम्पीयर आप उसको बोल सकते हैं। तो ये टोटल 9 एम्पीयर का ये बैटरी पैक है, फिर भी ये मोटर को रनिंग नहीं कर पाता है। देख सकते हैं फिर से मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का गलत फहमी मत पड़िए, ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। देख सकते हैं ये स्पार्क तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन ये सेल मोटर को ये सही से रनिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। देख सकते हैं स्टार्ट होकर फिर से ये पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि ये एम्पीयर इसका एम्पीयर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देख सकते हैं वो ये इस प्रकार से ज़्यादा, अगर थोड़ा सा मोटर रनिंग कर देता है, रनिंग हो जाता है, फिर ये कंस्टेंट रनिंग करता है, नहीं तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्काउंट कर देता है पावर सप्लाई को। तो ये था इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी जानकारी मिला इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।